नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह हंगरोत पे। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, जिस आसन के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है शल्भासन। शल्भासन करने की विधि और उसके लाभ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही दरी चटाई या मैट पे आएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें खाली पेट करना है। कोई भी आसन हम करते हैं तो सुबह खाली पेट ही करते हैं। सबसे पहले आप चटाई पे आएं और चटाई पे आप आ जाएं पेट के बल, इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं, एड़ी पंजे घुटने में ला लें पीछे से और दोनों हाथों को अंदर की ओर लें और हथेलियों का रुख आपका थाइस की ओर रहेगा, यानी कि जंघाओं की ओर थोड़ी आसन पे रहेगी। इस प्रकार से लेट जाएं, कोहनियाँ भी अंदर की ओर ले लें और फिर हम सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और सांस भरते हुए दाएं पैर को, राइट पैर को 30 डिग्री या 40-45 डिग्री तक भी हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको घुटना बिल्कुल सीधा रखना है और पंजे को खींच के रखना है और जो बायां पैर नीचे है उसको भी आपको बिल्कुल सीधा रखना है, पंजा लेटा के खींच के रखना है। और कम से कम प्रयास करें आप इसमें 15 सेकंड तक रुकें। इसी प्रकार से हम फिर दूसरे पैर से भी करेंगे, सांस भरेंगे और बाएं पैर को उठाएंगे, घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे, पंजा खींच के रखेंगे और यहाँ पर हम रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे फिर हम नीचे आएंगे। आप जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो थोड़ा सा इसको और ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा पैरों को हिला लें और फिर हम इसको, जो हमने अभी किया वो था अर्ध शल्भासन, अब जो हम करेंगे वो है पूर्ण शल्भासन। वही एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे, पंजे लेटे रहेंगे, दोनों हाथ अंदर की ओर रहेंगे, हथेलियाँ आसमान की ओर रहेंगी, जंघाओं की ओर थोड़ी आसन पे रहेगी और यहाँ से हम इनहेल करते हुए सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, घुटने सीधे रखेंगे, पंजे खींच के रखेंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं, रुक सकते हैं, तो आप फिर सामान्य सांस में रुकें। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकें, जब आप नहीं रोक सकते हैं तो आप सांस लेते रहें और रुकने का प्रयास करें और फिर धीरे 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 नीचे आ जाए। इस प्रकार से इसका एक और अभ्यास हम कर सकते हैं, वो इस प्रकार से है कि आप इसी प्रकार से लेटे रहेंगे। अब जैसे आप बायां लेफ्ट हैंड को आगे ले लें और राइट पैर को पीछे से उठा दें, इस प्रकार से दायां पैर बायां हाथ, घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, थोड़ी आसन पे और यहाँ रुकने का प्रयास, फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। ऐसा ही फिर हम दूसरे पैर से करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग, सांस भरा, पैर उठा दिया, हाथ उठा दिया, घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, हाथ सामने की ओर, यहाँ रुकने का प्रयास और धीरे धीरे नीचे। इस हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख लें और धीरे धीरे नीचे। और इसी का तीसरा अभ्यास है, इसमें हम दोनों हाथों को पीछे ले लेंगे, ऐसे ग्रिप कर लेंगे, एड़ी पंजे घुटने मिला के रखेंगे, सांस भरेंगे और पीछे से पैरों को इस प्रकार से उठा देंगे, घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे और पंजे खींच के रखेंगे, यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ थोड़ा सा विश्राम करें और आसन पे आ जाएं। इस प्रकार से आसन में आ जाएं। शल्भासन यानी शल्भ मतलब
जैसी टिड्डी की आकृति होती है वैसी आकृति हम अपने शरीर की बनाते हैं। इसको इंग्लिश में लोकस्ट पोज कहते हैं, LOCUST, लोकस्ट पोज। तो ये था हमारा शलभासन करने का तरीका या करने की विधि। आइए अब जानते हैं हम इसके लाभ क्या हैं। इस आसन को करने से सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो उन लोगों को है जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है। जिनको भी यहाँ पर कमर में दर्द रहता है वो इस आसन को करेंगे तो इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। दर्द आपका कम होगा, पीठ आपकी मजबूत होगी, और जिन लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम यानी पैरों से कमर से नीचे की तरफ जिन लोगों को दर्द चलता है उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए भी ये आसन अच्छा है। उसके अलावा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को नाभि से नीचे की चर्बी बढ़ी हुई है, ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए। इस आसन को करने से आपकी नाभि की चर्बी बिल्कुल कम होती है। उसके अलावा आपके जितने भी यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन या जो भी हैं, वो सब स्वस्थ होते हैं। आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। जिन लोगों को अपच की समस्या है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आसन को आप रोज़ करें, रिपीटेशंस कर सकते हैं, आप इसके 3, 5, 10 बार भी कर सकते हैं। और किन लोगों को इसे नहीं करना है, उन सभी लोगों को इसे नहीं करना है जिनकी कोई पेट की अगर सर्जरी हुई है, या फिर उनको हार्निया वगैरह की समस्या है, या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो इसको ना करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपका दिन शुभ हो। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।